एक तरफ देश भर में कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो वहीं नगरों सहित ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में कोविड 19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शादियों के आयोजन जारी है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शादी आयोजकों के घर पहुंचकर समझाइश दी और 2 गज की दूरी में मास्क लगाने की अपील के साथ नियमों का पालन करने की अपील की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र ग्राम कनखट्टी में 3 जगह शादियों के आयोजन किए जा रहे थे। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि जनता कर्फ्यू लॉकडाउन में शादी की मिली परमिशन के नियमों को ताक रख कर शादी के आयोजन किए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पिपलिया मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की गाड़ी देखकर बैंड बाजे वाले अपने अपने बैंड बंद कर दिए और 2 बैंड बाजे वाले मौका देखकर बाहर लोग कर मौके से फरार हो गए। पुलिस जब कार्यक्रम स्थल पहुंची तो न दुल्हे ने मास्क लगा रखा था और न ही दुल्हन ने, और कई मेहमान भी बिना मास्क के दिखाई दिए। पुलिस ने सभी को कोविड 19 के नियमों के पालन करने की अपील की। आज दिनांक को थाने के कनगट्टी गांव में कुछ लोगों के फ़ोन आए थे कि यहां पे 3 शादियां हैं गांव में, जो शादियों में काफ़ी सारी भीड़ एकत्रित हो रही है और वर्तमान समय में कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए और लॉकडाउन के चलते हुए पुलिस टीम यहां से भेजी गई थी, जो मौके पे 1 शादी अलग थी और 2 शादियां एक साथ होने के कारण वो ऐसा लग रहा था कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है। मौके पर उपनिरीक्षक शुक्ला द्वारा शादी के परिवारजनों को उनको समझाइश हिदायत दी गई एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के संबंध में उनको समझाइश दी गई। फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सभी को ये अवगत कराया गया और सभी को जानकारी भी है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस टाइप के आयोजनों से पहले तो बचा जाए और उसके बाद भी अगर आवश्यक है तो कम से कम लोग रहें और भीड़भाड़ जैसा माहौल ना हो, पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आयोजनों को संपन्न करें, और उसके बावजूद भी अगर फिर शिकायतें मिलती हैं और लोग नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।